नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक राखी बिरलान के पिता भूपेंद्र पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। रोहिणी साउथ थाने में आम आदमी पार्टी के दो नेताओं पर एक महिला ने गैंगरेप का केस दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि नगर निगम चुनाव में टिकट देने का झांसा देकर उससे गैंगरेप किया गया। जिन नेताओं पर गैंगरेप का आरोप है उनके नाम है रामप्रताप गोयल और भूपेंद्र। पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 376 डी और 506 के तहत केस दर्ज किया है। नीरज गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन क्या अपनी जांच भी पूरी कर ली है? जी विमानसा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद से जो पुलिस की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो राम प्रताप गोयल नाम के जो शख्स हैं, बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात जो ये विक्टिम महिला है उनकी मुलाकात तकरीबन एक साल पहले हुई थी। रामलीला का फंक्शन था, उस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी और तब से ही ये पूरा सिलसिला चल रहा था। और उस लेडी के साथ में कई बार सेक्सुअल असोल्ट हुआ, उसके साथ में संबंध बनाए गए। और फिर उसके बाद जिस तरीके से महिला ने बताया कि 5 नवंबर को भी उसके साथ में जो कि एमएलए के जो फादर हैं उन्होंने उसके साथ में संबंध बनाए और ये बार बार लगातार झांसा देते रहे कि तुम्हें टिकट का ऑफर किया। और उसको लेकर के लगातार पिछले कई महीनों से उस महिला के साथ में यौन शोषण होता रहा। और फिर उसके बाद उसने महिला ने यहाँ थाने में रिपोर्ट दी है और पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पाई है। जी, और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में जो फर्क है वो उजागर हो रहा है। एक के बाद एक जो विधायक हैं वो विवादों के घेरे में आते हैं। इस तरह के तमाम आरोप पहले भी लगते रहे हैं और अलग अलग तरह के आरोप, महिला सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं लेकिन फिर इस तरह के आरोप भी उन्हीं पर ही लगते हैं। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि संजीव कुमार जो कि एमएलए थे, पूर्व मंत्री थे दिल्ली सरकार के, उनके ऊपर भी सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा था। अभी उनको कल ही जो है कोर्ट से उनको जमानत मिली है। और उसके बाद में जिस तरीके से दोबारा से एक एमएलए के जो पिता हैं उन पर इस तरीके से एलिगेशन लगना, उन पर आरोप लगना एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो बोलते रहे हैं कि हम बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है निष्पक्ष है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये टिकट को लेकर के जिस तरीके से एक महिला के साथ पिछले कई महीनों से उसका यौन शोषण हो रहा था, तो उसके बाद में ये मामला थाने तक पहुंचा है। और कई एमएलए जो कि लगातार दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है उन पर संगीन। जी, बहुत ही संगीन आरोप। आम आदमी पार्टी के दो विधायकों पर ये गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है और एक महिला की शिकायत पर ये रोहिणी का ये पूरा मामला है। हालांकि अभी तक इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई।